brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. जरा आग लगने की ये भयावह तस्वीर देखिए। दरअसल पटना की ये तस्वीर है जहां पर एक होटल में भयंकर आग लग गई। इस आग में 3 लोग घायल हो गए हैं और आग लगने की वजह से होटल में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। हाइड्रोलिक के जरिए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। बता दें कि पाल होटल में ये भीषण आग लगी है और स्टेशन रोड के पास ये हादसा हुआ है। आग संभवतः सिलेंडर के ब्लास्ट होने की वजह से लगी है। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। पूरे मामले पर कोतवाली डीएसपी क्या कह रहे हैं, सुनिए। पाल होटल के पास, जो पाल होटल ही है स्टेशन के पास में, जहां पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है, हम लोगों ने पूरी टीम के साथ में यहां पहुंचा है, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम, उनकी पूरी टीम आई है और जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं, कभी दर्जनों गाड़ियाँ का इसमें उपयोग किया गया है। कुछ लोग फंसे हुए थे, 12-13 लोगों को हम लोगों ने गंभीर रूप से जो फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू किया है। इसके अतिरिक्त भी अन्य लोग हैं जिनको कि हमारे बल या पहुंच करके हम लोग गुजा जा करके रेस्क्यू कर ले रहे हैं। सभी लोग जो रेस्क्यू जिनको किया गया, जिनकी स्थिति थोड़ा खराब दिखी गई, सबको हम लोग पीएमसीएच के लिए भेज दिया गया है और अभी वर्तमान में स्थिति तत्काल सामान्य है, लेकिन जो आसपास में जो थोड़ा बहुत धुआं दिख रहा है उसको हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग इसी क्रम में जो जले हैं या किन्हीं लोगों को सफोकेशन हुआ है, वही लोग घायल हम लोग मान रहे हैं, उनको सबको पीएमसीएच भेज दिया है। 12-14 लोग हैं जिनको हम लोग रेस्क्यू किया है, उनको भेजा है। घटनास्थल से हमारे संवाददाता भी जुड़े और उन्होंने पूरी तस्वीर बताई। स्टेशन के पास एक होटल में लगी आग की खबर लगातार बिहार में फैल रही है और आग की भयावह तस्वीर लोग साझा भी कर रहे हैं। पटना से हमारे संवाददाता राजेश झा की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे।